वेलकम टू लर्निंग लॉज। सो कुछ दिनों पहले हमने एक ऑनलाइन सेशन किया था विद अ बंच ऑफ पीपल ऑन गूगल मीट। तो सभी एस्पिरेंट्स की एक मेजर प्रॉब्लम थी और वो थी जीके को लेकर। अगर आपका टारगेट यूपी जुडिशरी या फिर बिहार जुडिशरी है तो आपको पता होगा कि उसमें स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स दोनों पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके इंक्लूड्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। तो देखिए, करंट अफेयर्स का फंडा बिल्कुल सिंपल है। करंट अफेयर्स आपको तभी पढ़नी है जिस साल आपको किसी एग्जाम के लिए अपीयर होना है। सपोज कोई स्टूडेंट है जो थर्ड ईयर में ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है जुडिशरी के लिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स के बारे में जानना ज़रूरी है, बट ओनली कि वो खुद अपडेटेड रहें कि दुनिया में क्या चल रहा है। उन्हें थर्ड ईयर से ही करंट अफेयर्स रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है ये मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स जिस साल एग्ज़ाम होने वाला होता है उसके पीछे का 6 months या 1 year तक का ही पूछा जाता है। सपोज करिए कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस फ्रेम होंगे वो दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 के इवेंट्स के बेसिस पे ही फ्रेम किए जाएंगे। कहने का मतलब बस इतना सिंपल है कि आपको एग्ज़ाम के 3-4 साल पहले के करंट अफेयर्स को याद रखना ज़रूरी नहीं है। जब आपका एग्ज़ाम आने वाला हो, बुक शॉप पे जाइए, मंथली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती है, बुक्स आती हैं, वो लीजिए और आपके लिए वही काफ़ी होगा। इनफैक्ट आजकल तो कुछ ऑनलाइन साइट्स भी हैं जो वीकली या फिर मंथली जीके करंट अफेयर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम स्टैटिक जीके पे। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम पढ़ना तो है पर ये समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करें, बुक्स कौन सी रेफ़र करें। तो उनको भी मैंने एक ही एडवाइस दी थी और आपको भी सेम एडवाइस देने जा रही हूँ। लूसेंट्स पब्लिकेशन की एक जीके की बुक आती है, ये बुक मैंने अभी चेक करी है, अमेजोन पे 225 रुपीज़ में अवेलेबल है। आपको कोई और सोर्स रेफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज इस बुक में क्रोनोलॉजिकली हर सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, विच इंक्लूड्स टॉपिक्स लाइक इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा। अगर आप किसी भी टॉपिक के लिए इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो वो बात अलग है, इट्स ओके। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ आए कि आपको स्टार्ट करनी कहाँ से है प्रिपरेशन, सो वो क्रोनोलॉजिकल मैनर जानने के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। आप यहाँ से सब्जेक्ट्स देखो, उसके बाद उनके टॉपिक्स देखो, कौन से टॉपिक के बाद क्या पढ़ाया जा रहा है, सब टॉपिक्स देखो और फिर आप इजीली दूसरी बुक को रेफर कर सकते हैं। सो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि इस पूरी बुक से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, बट अगर आपको प्रिपेयर करना है इन डेप्थ तो भी आप इस बुक को यूज़ कर सकते हो एज डायरेक्शन कि कौन से टॉपिक के बाद क्या पढ़ना है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं इतनी श्योरली इस बुक के लिए ऐसा इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज ये बुक मैंने खुद ने क्लैट के लिए जब मैं अपीयर होने जा रही थी 2016 में, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तब से मैं इस बुक को यूज़ कर रही हूँ। एंड आई वुड लाइक टू रिकमेंड वन मोर बुक फॉर जीएस, दैट इज़ घटना चक्र। ईजिली सभी बुक शॉप्स पे अवेलेबल होती हैं, सो ग्रैब देम फॉर ईजी एंड स्मूथ प्रिपरेशन फॉर स्टैटिक जीके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो अगर आपको कोई और रिकमेंडेशंस या एडवाइस या टिप्स चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।